अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं के साथ मैं लाई हूँ खाना बने आसान में एक और नई रेसिपी, जिसका नाम है चिकन शाशलिक मैक्रोनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन शाशलिक मैक्रोनी में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, 300 ग्राम यानी 1.5 पाव मैंने लिए चिकन, क्यूब्स में काट लिए। 1 पाव मैंने लिए मैक्रोनी 250 ग्राम, इसको बॉईल करके 1 चम्मच नमक डाल के बॉईल करके मैंने रख दिया है। अब चलते हैं मसालों की तरफ। मसालों में 3 चाय के चम्मच मैंने लिए सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच लिया चिल्ली सॉस, 1 चाय का चम्मच लिया है कुटी लाल मिर्च, 1.5 चाय का चम्मच लिया है पिसी हुई काली मिर्च, 1.5 चाय का चम्मच लिया है मैंने सादा नमक, 1 खाने का चम्मच लिया है मैंने सिरका, 1/2 चाय का चम्मच लिया है सफ़ेद मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच लिया है पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच लिया है लहसुन और 1 चाय का चम्मच लिया है अदरक, 3 खाने के चम्मच लिए है मैंने ऑयल और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच लिया है चाइनीस नमक और 2 से 2.5 खाने के चम्मच लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर। सब्जियों में गाजर लेंगे छोटा, इसको मैंने चॉप काट लिया है, चकोर काट लिया है। शिमला मिर्च मैंने चकोर काटा है, शिमला मिर्च मीडियम लिया है, टमाटर छोटा लिया है इसको भी चकोर काटा है और मीडियम प्याज लिए इसको भी इसी साइज़ का काटा। 5 खाने के चम्मच मैंने लिया है टमाटर कैचअप और 2 टमाटर लिए हैं, इसको मैंने पेस्ट बनाया और थोड़ा सा पका के इसके पानी को खुश्क किया है। 2 खाने के चम्मच लिए हैं टमाटर गार्लिक सॉस। ठीक है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगी, 3 खाने के चम्मच हमने लिया है, 2 इसमें इस्तेमाल करेंगे, 1 खाने का चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे सब्जियों को सोते करने के लिए। के साथ ही हम चिकन शामिल करते हैं। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, ऑयल गर्म हो गया, मैंने चिकन शामिल कर दिया है और साथ ही शामिल करेंगे अदरक लहसुन, सोया सॉस में 1.5 डालूंगी और 1.5 हम डालेंगे सॉस बनाने के लिए, चाइनीस नमक भी हम 1/2 चाय का चम्मच डालेंगे, साथ ही शामिल करेंगे इसे लाल कटीली में सफ़ेद में सादा नमक भी हम 1/2 डालेंगे, काली मिर्च चिकन में 1 डालूंगी और 1/2 हम डालेंगे सॉस बनाने में। फिर सिरका भी 1/2 शामिल करेंगे, दो से 3 मिनट में हल्की आंच पर चिकन को पकने दूंगी। आंच को स्लो कर देंगे ताकि चिकन पक जाए। 3 मिनट के बाद देखिए चिकन का काफ़ी हद तक चिकन गल गई है। अब मैं इसको निकाल के इसी के अंदर मैंने सब्जियों को सोते करना है। इसको निकालने के बाद हम सब्जियां इसलिए इसमें सोते करेंगे कि जो चिकन का अरोमा है वो हमारी सब्जियों में शामिल हो जाए। अब हम करते हैं जो बाकी ऑयल है वो शामिल करेंगे।
और सबसे पहले हम गाजर डालेंगे। सबसे पहले गाजर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करूंगी प्याज, शिमला मिर्च, सब्जियों को अच्छे तरीके से सौते करें। सब्जियों को सोते वक्त जरा आँच को तेज करें, क्योंकि हमें हल्का उसको सोते नहीं करना है, ना सब्जियां पानी छोड़ देती हैं। मैं शामिल करूंगी टमाटर, ये टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। बाकी का छिलका शामिल करेंगे वाइट, सोया सॉस डालूंगी, काली मिर्च डालूंगी, चाइनीज नमक, सादा नमक, तरीके से मिक्स करें। इसी के साथ मैं सारी सॉस शामिल करूंगी। टमाटर प्यूरी शामिल करेंगे, के साथ ही डालूंगी मैं चिली गार्लिक सॉस, चिल्ली सॉस, इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी लाल मिर्च और टमाटर केचप। सब्जियों को 2 से 3 मिनट इसी सॉस में पकने देंगे। हमने शामिल करूंगी चिकन, जो हमने भून के रखा है मसाले में, चिकन शामिल करेंगे। अब मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी। एक कप पानी में 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर को भिगो के मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इस ग्रेवी को 2 से 3 मिनट पकने देंगे। थोड़ा और पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल किया, इसको हम पकने देंगे। ये देखिए 2 मिनट में सॉस रेडी। ये देखिए जबरदस्त सॉस तैयार हो गया है चिकन के साथ। अब हम शामिल करेंगे मैक्रोनी। मैंने एक साथ इसलिए डाली है कि मेरी कढ़ाई काफ़ी फैली हुई है, इसलिए सारी मैक्रोनी एक साथ आ सकती है।
आप अपने बर्तन में देखिएगा कि साथ आती है तो ठीक है, वरना फिर थोड़ी थोड़ी शामिल करें। देखिए इसको हम 2 मिनट रखेंगे मैक्रोनी के साथ ताकि सॉस में अच्छी तरीके से डिप हो जाए और सब मसालों का अरोमा जो है हमारी मैक्रोनी में रच बस जाएगा। 2 मिनट के अंदर मैक्रोनी तैयार है। 2 मिनट गुजरने के बाद ये देखिए मैक्रोनी, चिकन शाशलेट मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है। अब मैं डिश आउट करती हूँ। चिकन शाशलेट मैक्रोनी तैयार है ग्रेवी के साथ, टेस्टी जूसी, आप ज़रूर बनाइएगा। हमेशा की तरह आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस आपको मिल सके। इंशाल्लाह फिर एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।